नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में बात होगी आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब की। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जब भी सवाल करें पूरा करें। आपको टाइप करना है ABC, आपके शहर का नाम, आपका नाम और पूरा सवाल। अगर कोई एरर कॉइन है तो उसकी इमेज इंस्टाग्राम भारतीय करेंसी पर सेंड करें। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में कई रेयर कॉइन की बात होगी, इसलिए वीडियो पूरा देखें। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल है करवटे जी का। सर मैं अखोला महाराष्ट्र से हूँ, मेरे पास 1876 का 1 रुपी कॉइन है जिसके नीचे फूल पर डॉट बना है, इसका क्या मतलब है सर, और कॉइन की कीमत क्या है? करवटे जी, आप जिस कॉइन की बात कर रहे हैं 1876 का विक्टोरिया क्वीन का 1 रुपी कॉइन है। ये सिक्का 1876 में 2 मिनटों में बने थे, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट, और दोनों ही सिक्के सामान्य सिक्के हैं। आपने पूछा है बॉटम में फूल पर डॉट बनाए, ये बॉम्बे मिंट का मिंट मारक है। अगर इस 1 रुपये के सिक्के की कीमत की बात करें तो दोनों मिंट कलकत्ता और बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत 150 रुपये से लेकर 1200 रुपये के मध्य चल रही है। अगला सवाल है प्रकाश जी का। सर 2 रुपये के नोट में जो बहुत ही कीमती है बताना। प्रकाश जी 2 रुपये के नोटों में सबसे कीमती नोट है 2 रुपये का फर्स्ट इशू नोट, जिस पर हस्ताक्षर है बी रामा राव के। ये नोट 26 जनवरी 1950 को जारी किया गया था। इस 2 रुपये के नोट में 3 प्रीफिक्स आते हैं ABC, और इस एक नोट की कीमत की बात करें तो 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये के मध्य हो सकती है। अगला सवाल है नानक राम जी का। मेरे पास *100 रुपये स्टार नोट 2 नोट हैं, *CCC प्लेन इंसर्ट उर्जित पटेल 2016, इस नोट की रेट क्या है? नानक राम जी, आपने जिस नोट के बारे में पूछा है प्लेन इंसर्ट CCC प्रीफिक्स स्टार सीरीज हस्ताक्षर उर्जित पटेल के, ये नोट जारी हुआ था 2016 में। सर जी ये नोट ज़्यादा रेयर तो नहीं है, लेकिन स्केयर की कैटेगरी में ज़रूर आता है। इस नोट की कीमत की बात करें तो 300 रुपये से लेकर 800 रुपये के मध्य हो सकती है। अगला सवाल है प्रेषित सावंत जी का। मेरा नाम प्रेषित फ्रॉम मुंबई, आई एम न्यू सब्सक्राइबर। मेरे पास न्यू 2 रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 11 रोटेशनल एरर कॉइन है, व्हाट इज द प्राइस? सावंत जी, आपने 2 रुपये की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थीम पर जारी हुआ 2010 में ये सिक्का स्टील से बना होता है। इस सिक्के की बैक साइड में RBI का लोगो दिखाया गया है। ये सिक्का कलकत्ता मिंट में बने थे और ये सिक्के सामान्य सिक्के हैं, लेकिन आप बता रहे हैं इस सिक्के में 11 ओक्लॉक डाई रोटेशनल एरर है। सावंत जी, डाई रोटेशनल एरर कॉइन की मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन आपके सिक्के में 11 ओक्लॉक है। 1 ओक्लॉक और 11 ओक्लॉक डाई रोटेशनल एरर कॉइन की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये एरर एक स्मारक सिक्के में है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेरे अनुसार इस सिक्के की कीमत 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के मध्य हो सकती है। अगला सवाल है जाटसु जी का। 1985 1 रुपी एच मिंट का प्राइस क्या है? 1985 में एच मिंट मार्क सिक्के एक विदेशी मिंट में जारी किए गए थे, जिसे हेटन मिंट कहते हैं। ये सिक्के कोपर निकल में बने होते हैं, इसका वजन लगभग 6 ग्राम के आसपास होता है। कोपर निकल के 1985 में एच मिंट मार्क के सभी सिक्के सामान्य सिक्के हैं, जिसकी प्राइस 3 रुपये से लेकर 10 रुपये तक जाती है। 10 रुपये UNC कंडीशन की कीमत है, लेकिन इस 1 रुपये के एच मिंट मार्क कॉइन में एक OMS कॉइन भी आता है, जिसका मेटल कॉपर है, जिसका वजन 7 ग्राम के आसपास होता है। इस OMS कॉइन की कीमत 2 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक जाती है, लेकिन ये OMS कॉइन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगला सवाल है शारदा कुमारी का। सर जी मेरे पास 786 वाले नोट हैं, उनकी मार्केट प्राइस क्या है? सर जी प्राइस बताएं। शारदा जी, 786 नोट की कीमत अलग अलग तरीके से निर्धारित होती है। जैसे अभी आम चलन में चल रहे नोट हैं, तो ऐसे 786 नोट की कीमत की बात करें, अगर आपके पास यूज कंडीशन के हैं तो ऐसे नोटों की कोई भी कीमत नहीं होती है। अगर आपके
बिल्कुल नए यूएनसी नोट है जो अभी चल रहे हैं, तो ऐसे यूएनसी नोटों की कीमत 10 से 20 रुपए ऊपर होती है। अगर बात करें 786 नोट के सेट की, जैसे 786, 000 786 या 786 000 है, अगर ये नंबर अभी चल रहे नोटों में है, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या फिर 100 रुपये में है, तो ऐसे एक सेट की कीमत 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये के मध्य हो सकती है। अगर 786 के नंबर के नोट पुराने नोट हैं, अगर यूज कंडीशन का भी है, तो ऐसे यूज ओल्ड नोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे नोट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। सवाल है जसवीर जी का, मेरे पास 5 रुपये के सिक्के हैं, एक 2019 वाला है और दो और हैं, उनकी कीमत कितनी है? जसवीर जी, 5 रुपये के सिक्के 2019 में दो तरीके के जारी किए गए हैं, एक पुराने डिज़ाइन में, दूसरा नई डिज़ाइन में। इस पुराने डिज़ाइन में एक म्यूल कॉइन भी आता है 2018 और 2019 के सिक्कों में। ऐसे म्यूल कॉइन की कीमत 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के मध्य हो सकती है। वैसे 2019 के पुराने डिज़ाइन और नए डिज़ाइन के दोनों ही सिक्के सामान्य सिक्के हैं, इन सिक्कों की कीमत 5 रुपये ही है, अगर यूएनसी में है तो 10 रुपये तक है। अगला सवाल है के मलिक जी का, आई हैव ए 2 रुपीज कम्युनिटी कॉइन ऑफ देश बंधु चित्तरंजन दास मिंट बाई हैदराबाद इन 1998, प्लीज टेल मी वैल्यू। देश बंधु चित्तरंजन दास के ये 2 रुपये के सिक्के 1998 में कोपरनिकल में जारी किए गए थे। इन सिक्कों का वजन लगभग 6 ग्राम के आसपास होता है। ये सिक्के भारत के 3 मिंटों में जारी किए गए थे, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट और नोएडा, जिसके कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के सामान्य सिक्के हैं, जिनकी कीमत 10 रुपये से लेकर 50 रुपये के मध्य हो सकती है। वहीं हैदराबाद मिंट का सिक्का एक वेरी वेरी रेयर कॉइन है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये मध्य जा सकती है। अगला सवाल है कुलवंत सिंह जी का, सर 1 रुपये के हस्त मुद्रा वाले सिक्के में अंगूठे और नाखून व रेखाएं बनी हुई होती हैं, 2008 2019 के उनकी फाइन कंडीशन में क्या कीमत है? कुलवंत जी, इस 1 रुपये के सिक्कों की डिटेल वीडियो बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। इन सिक्कों की करंट प्राइस बता देता हूँ, इस 1 रुपये के सिक्कों में रिवर्स साइड में डाइवराइटिस पाई जाती है। नॉर्मल कॉइन के थंब प्लेन होते हैं, जिस कॉइन में अंगूठे और नाखून व रेखाएं दिखाई देती है वह सिक्का स्केयर है। इन स्केयर कॉइन की कीमत की बात करें तो फाइन कंडीशन में 30 रुपये से लेकर 100 रुपये के मध्य हो सकती है, वहीं यूएनसी कंडीशन में 250 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि इन सिक्कों पर बहुत ही कम वीडियो है, ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगला सवाल है धर्मवीर जी का, महेश जी मैं धर्मवीर प्रजापत दिल्ली से हूँ, मेरे पास एक की सीरीज के 11 स्टार नोट है 500 रुपये के, ब्रांड न्यू है, प्लीज़ वैल्यू बताएं। धर्मवीर जी, 2021 में 500 रुपये के स्टार नोट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जारी किए गए हैं। आज के समय ऐसे 500 रुपये के स्टार नोट की यूएनसी कंडीशन में 10 या 20 रुपये ऊपर होती है। हाँ, भविष्य में ऐसे स्टार नोट की कीमत ज़रूर बढ़ेगी, अगर यूएनसी में हुए तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। सवाल है, आपका पहला चैनल है जिन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया है, थैंक यू जी। थैंक यू, धन्यवाद सर जी। मेरे पास 2 रुपये का नोट है जिसका सीरियल नंबर 43G22334 और भी नोट हैं जिनका नंबर इसी प्रकार है। आपका बहुत आभार होगा जी, आप ऐसे नोटों की जानकारी देंगे, धन्यवाद। सर, आपके पास जो 2 रुपये का नोट है जिसका सीरियल नंबर 43G22334 हैं, एक फैंसी नंबर है सर, आपने पूरी जानकारी नहीं दी है, इस नोट पर हस्ताक्षर किसके हैं और ये नहीं बताया। सर, 2 रुपये के नोट में ऐसे नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब 2 रुपये के नोटों की छपाई नहीं होती है, इसलिए ऐसे नंबर के नोट रेयर होते हैं। कीमत की बात करें तो 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के मध्य हो सकती है। अगला सवाल है डी एस प्रोफाइल से, सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम MD सदीक बसखारी, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल है, मेरे पास 10 रुपये का नोएडा मिंट का 2015 का है सिक्का है, इस कॉइन में एक तरफ अशोक स्तंभ नहीं है,
क्या ये एरर है? अगर एरर है तो वैल्यू बताएं। एमडी सदीक जी, आपने हमें कॉइन की इमेज सेंड नहीं की है, यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि आपके सिक्के में क्या एरर है, लेकिन आपका 10 रुपये का सिक्का जो कि 2015 में जारी किया गया था नोएडा मिंट द्वारा, ये सिक्का रेयर की श्रेणी में आता है। अगर आप ये कॉइन किसी भी कॉइन डीलर से खरीदते हैं तो UNC कंडीशन में 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये के मध्य चुकाना होगा। अगर फाइन कंडीशन में है तो 400 रुपये से लेकर 800 रुपये के मध्य कीमत होगी। अगर ये सिक्के में एरर है तो इस सिक्के की कीमत और भी ज़्यादा होगी। अगला सवाल पूजा जी का, सर मेरे पास 1996 का 2 रुपीज कॉइन है सुभाष चंद्र बोस, उसकी प्राइस क्या है, आप लेना चाहेंगे? पूजा जी, 2 रुपये का सुभाष चंद्र बोस का स्मारक सिक्का जो कि 1997 में जारी करने थे लेकिन गलती से 1996 में जारी कर दिए गए, 1996 के ये सिक्के एरर हैं और साथ में रेयर भी हैं। अगर इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो फाइन कंडीशन में 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के मध्य हो सकती है, वहीं UNC कंडीशन में है तो इस सिक्के की कीमत 8000 रुपये से लेकर 10000 रुपये के मध्य हो सकती है। अगला सवाल हितेश पटेल जी का, सर मेरे पास 1 रुपये 2002 और 2003 के बहुत सारे लोन डाइवराइटीज के कॉइन हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पटेल जी, ये 1 रुपये के सिक्के 1992 से 2004 में FSS में जारी किए गए थे। इन सिक्कों में लोन डाइवराइटीज देखने को मिलती है 2002 और 2003 के सिक्कों में, ये दोनों ही सिक्के स्केयर हैं। इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो फाइन कंडीशन में 50 रुपये और UNC कंडीशन में है तो इन सिक्कों की कीमत 250 रुपये के मध्य जा सकती है। ये वैरायटी देखने को मिलती है 2002 और 2003 के मुंबई मिंट में। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।